हेलो दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत 25 सितंबर को पड़ रहा है 2024 में। सप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, ये व्रत में आपने सुना होगा कि विधिवत पूजा करने के बाद स्यारिन की और चील की पूजा की जाती है। इसके पीछे कथा है कि एक जो चील थी वो एक वन सेमर के पेड़ के ऊपर रहती थी और वहीं पर एक स्यारिन रहती थी। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती थी। वो दोनों एक बार बैठ कर बातें कर रही थी। दोनों एक दूसरे का ख्याल बहुत रखती थी और एक दूसरे के लिए खाना लेकर आती थी। तो उन दोनों ने देखा कि कुछ महिलाएं जीतिया का व्रत रख रही हैं अपने बच्चे की सलामत के लिए। तो उन्होंने आपस में भी मतलब महिलाओं से भी पूछा विधि विधान, और विधि विधान से उन दोनों ने व्रत रखा। व्रत में क्या हुआ, चील ने तो विधिवत पूजा की लेकिन स्यारिन को भूख लगी। स्यारिन ने जाकर कुछ मांस के टुकड़े खा लिए लेकिन फिर भी स्यारिन ने चील से झूठ बोल दिया। चील को तो पता लग गया कि इसने व्रत खंडित कर दिया। लेकिन अगले जन्म में दोनों राजकुमारी बनी। दोनों का विवाह जो जो चील थी उसका मंत्री के पुत्र से हुआ और जो स्यारिन थी उसके राजा के बेटे राजकुमार से शादी हुई। अब क्या हुआ, जो स्यारिन थी उसके बच्चे नहीं हुए लेकिन चील के बच्चे हो गए थे। और जो स्यारिन थी वो जलती थी। स्यारिन ने चील के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा सोची लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाई। अंत में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माफ़ी मांगी। फिर चील ने उसकी गलती को माफ़ तो किया लेकिन उसने कहा कि तुम भी जीतुया का व्रत रखा करो, जीवित पुत्र का व्रत रखा करो। इसकी ये विधि है, उसकी कथा का श्रवण करोगी तो तुम्हारे भी पुत्र संतान जो है होंगी भी, और जो होंगी वो दीर्घ आयु होंगी, इसलिए तुम भी इसको व्रत रखो। तब स्यारिन को थोड़ी सी बुद्धि आई। स्यारिन ने क्या किया, चील की बात को मानकर उसने जीवित पुत्र का व्रत रखा, विधि विधान से पूजा की और शाम के समय कथा का श्रवण किया। फिर जो है स्यारिन के भी बच्चे हुए। तब से कहा जाता है कि जीवित पुत्र का के व्रत में पूजा करते वक्त मिट्टी या गोबर के स्यार और चील बनाई जाती है, उनकी भी पूजा की जाती है। इसके साथ साथ कुसा से बनी हुई जीमृत वाहन की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है लेकिन कहीं कहीं लोग जो है नहाए खाए है और अष्टमी का व्रत भी रखते हैं और पारण भी करते हैं। 3 दिन का व्रत चलता है। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा 25 सितंबर को सुबह 10:41 से दोपहर 12:12 पर। इस पर आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय कथा का श्रवण करें, विधिवत पूजा करें। तो दोस्तों, इस व्रत को आप जरूर करें और चाकू धार वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचार्य का पालन करें, लाल पीला धागा हाथ में बांध कर रखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में शिवा जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।